दोस्तों, क्या साहब इस्तीफा देंगे? क्या अब उनके इस्तीफा देने का वक्त आ चुका है? क्योंकि इस वक्त जो देश का मूड है, देश का माहौल है, उस पर मैं बात करूंगी। उस तमाम माहौल और मूड को आप तक लाकर दिखाऊंगी कि कैसे मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, तमाम वो बड़े मंत्रियों के खिलाफ इस वक्त देश के लोगों का गुस्सा जो है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है। क्यों, किस लिए, ये आप जानते हैं। जो हादसा हुआ है उसको लेकर देश के कोने कोने से बस एक ही आवाज निकल रही है कि फीता काटने का श्रेय तो ले लेते हैं साहब, लेकिन फीता काटने के बाद जो होता है उसका श्रेय कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जितनी इवेंट में मास्टर स्ट्रोक करके खबरें दिखाई जाती है और तमाम रंगारंग कार्यक्रम दिखाया जाता है, उसके बाद जो हुआ है और जिस तरीके की चीजें हुई है उस पर कौन जिम्मेदारी लेगा? इस वक्त सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है दोस्तों इस्तीफा का मांग। जी हाँ, इस्तीफे की मांग जो है वो धड़ल्ले से ट्रेंड हो रहा है। लेकिन मैं ट्रेंडिंग से पहले आपको वो तमाम ट्वीट्स दिखाऊंगी जो इस वक्त जनता का हाल है। इस वक्त जनता जो है किस तरीके से खींच में है, उनका गुस्सा जो है वो कैसे फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगी अशोक स्वैन जो प्रोफेसर हैं, वो मोदी जी के एक मीटिंग का वीडियो, जो इस वक्त वो मीटिंग कर रहे हैं उसका वीडियो शेयर किया है। ANI की तरफ से ट्वीट हुआ है और ये ट्वीट करते हुए लिखते हैं अशोक स्वैन कि मोदी इज़ डूइंग सो कॉल्ड हाई लेवल मीटिंग। मोदी जो है वो सो कॉल्ड हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। हादसे ट्रेन जो उड़ीसा में हुआ है, जिस जगह पर दुर्घटना हुई है उसको लेकर मीटिंग कर रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस मीटिंग में कैमरा और वीडियोग्राफर दोनों मौजूद है। इस मीटिंग के अंदर की जो वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, वो सब मौजूद है और सोशल मीडिया पर भाजपा की तरफ से शेयर किया जा रहा है। ANI तो न्यूज़ एजेंसी है, वो तो शेयर कर ही रहा है, लेकिन भाजपा के भी तमाम मंत्री ये शेयर करने में बिजी है कि देखिए मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं, मोदी जी क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं। अब ये दिन हो गया है दोस्तों, ये हाल हो गया हमारे देश में कि जो भी चीज़ें होंगी, जो भी बातें होंगी उसको कैमरे पर रिकॉर्ड करके ट्विटर पर ट्वीट किया जाएगा कि मोदी जी जो हैं कितना दिन रात काम कर रहे हैं, किस तरीके से जो है देश चला रहे हैं, यहाँ पर लोग किस तरीके से बिलख रहे हैं, परिवार वाले किस तरीके से टूटे हुए हैं, इसकी चिंता छोड़कर नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी किसकी होगी इसकी चिंता छोड़कर मोदी जी ने मीटिंग कर लिया दोस्तों। तो ये भाजपा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, सबसे बड़ा श्रेय कि मोदी जी ने मीटिंग कर लिया, कितना बड़ा एहसान का काम कर लिया है। तो ये चीज़ें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको दूसरा ट्वीट दिखाना चाहूँगी दोस्तों, मैडम रूबिका लियाकत का, जो कि तहसीन पूना वाले के एक ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए कैसे सफाई पेश कर रही है मोदी जी की प्रवक्ता बनकर। मीडिया का काम क्या होता है, वो इस वक्त भी अपना काम छोड़कर प्रवक्तागिरी और प्रवचनगिरी करने में लगी हुई है। तो सबसे पहले मैं तहसीन पूना वाले का वो ट्वीट दिखाना चाहूँगी जो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है। वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि वो एक जिम्मेदार है और हमारे PM है, इसलिए उन्हें वो करना चाहिए जो हमारे देश और हमारे लोगों के लिए सबसे अच्छा है। इस समय माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के जाने की कोई आवश्यकता नहीं, भले ही NDRF द्वारा रेस्क्यू खत्म हो गया हो, रेलवे ट्रैक और रेल दुर्घटना से सबूत और जांच जारी रहेगी। तो इस तरीके से इन्होंने सुझाव दिया है कि वो देश के प्रधानमंत्री और देश के लोगों के लिए भलाई सोचे, वहाँ के मुख्यमंत्री देश के भलाई सोचे, वहाँ पर जाने की ज़रूरत है नहीं। तो रूबिका लियाकत जो है प्रवक्ता, जी हाँ प्रवक्ता जो है, वो कूद पड़ी और ट्वीट करते हुए लिखती है कि अगर PM जाए तो परेशानी, ना जाए तो परेशानी। तो इस तरीके के हालात है हमारे देश के मीडिया की दोस्तों, कि हर एक चीज़ में बचाव करना है। कुछ देर में आपको देखिएगा डिबेट में कि उस ट्रेन पर इतने लोग क्यों चढ़ गए, इतने लोग पैसेंजर जो है वो क्यों चढ़ गए, उनकी गलती थी, ये भी बताना शुरू कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति हो गई है दोस्तों कि अगर सवाल उठाइएगा तो गलती आपकी ही है, गलती आप पर ही थोप दिया जाएगा कि आपने गलत किया, आपने ट्रेन पे क्यों चढ़ा, आपको सफ़र ही नहीं करना चाहिए था, घर बैठ जाना चाहिए था। ऐसा ही कुछ आपको डिबेट शो में देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा, लिख करके देती हूँ। आगे राफेल गांधी जो है वो लिखते हैं कि वैसे तो 24 घंटे उसके नाम की माला फेरते रहेंगे, ABP न्यूज़ खबर को रिट्वीट करते हुए कि वैसे तो 24 घंटे उनके नाम की माला फेरते रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई जिम्मेदारी तय करने की बात आती है कौन देगा जवाब,
आ गया सैलाब जैसी तुकबंदियां शुरू कर देंगे। थोड़ी देर बाद इनको एक बलि का बकरा मिल जाएगा और फिर उसकी हड्डियां चूसते रहेंगे। तो इस तरीके से जो है ये राहुल गांधी ट्वीट करते हैं। क्योंकि एबीपी न्यूज़ ने क्या ट्वीट किया है उसको भी देख लीजिए, उसको भी मैं दिखाना चाहूँगी। एबीपी न्यूज़ ट्वीट करते हुए लिखता है कि हादसे के बाद लोगों की आंखों में आंसुओं का सैलाब, कौन देगा जवाब, कैसे हुआ इतना बड़ा ट्रेन हादसा। इनके पास अभी भी जवाब और सवाल का जो लिस्ट है वो नहीं पता है कि कौन देगा जवाब, किसकी जिम्मेदारी बनती है, किस वजह से जो है ये हादसा हुआ है, किसको इस्तीफा देना चाहिए, किसको जो है अपनी पद की गरिमा जो है वो देखना चाहिए। लेकिन नहीं, इनके मुंह से जवाब सिर्फ और सिर्फ मांगा जाएगा तो विपक्ष पर। राहुल गांधी ने क्या कह दिया, अमेरिका में इसके साथ पूरा बीजेपी के साथ साथ पूरी मीडिया लगी रहेगी डिबेट करने में। जैसे ही कोई देश में हादसा होता है, कोई बड़ा डिजास्टर आता है, तो इन लोगों के मुंह से कौन देगा सवाल, कौन देगा जवाब, कौन देगा, किसके सर पर होगा, किसका नाम आएगा, ऐसे करके सवाल पूछा जाने लगता है। अब देखिए निगार प्रवीण ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि अपनी नाकामी का ठीकरा किसी न किसी पर तो फोड़ना ही है। स्टूडियो में बैठे गिद्धों को सरकार को बचाने के लिए कोई ना कोई साजिश तो बतानी ही है। दिहाड़ी लगा दिए गए हैं बालासोर को साजिश बताने के लिए। अभी कोई मुस्लिम एंगल नहीं निकला, वरना अब तक इसमें आगे पीछे जिहाद शब्द जोड़कर नफरत फैलाना शुरू कर देते। लेकिन फिलहाल आरक्षण वाला एंगल मिल गया है दिहाड़ियों को, उसी को चलाने में ये लोग जो है ऑर्डर दे दिया गया है कि आरक्षण आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, जॉर्डन नाम के एक यूज़र है, इन्हीं के ट्वीट को रीट्वीट निगार प्रवीण करती हैं और लिखती इनके ट्वीट में क्या लिखा है वो भी आप देखिए। क्योंकि एक एक जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा जो चीज़ें, इतनी बड़ी चीज़ें देश के साथ हो गई, देश में हो गया है, लेकिन फिर भी क्या आ रहा है सवाल निकल कर, क्या जवाब दिया जा रहा है, ये सुनकर इसका ट्वीट माथा पकड़ लेने का, सर पकड़ लेने का मन करता है कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। खिलवाड़, मजाक, कोई चुटकुला चल रहा है, जो चुटकुला मारने के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए ये लिखते हैं कि आरक्षण वाले ट्रेन चलाएंगे, आरक्षण वाले स्टेशन कंट्रोल करेंगे, तो ऐसे बड़े हादसे कभी ना कभी नहीं रोका जा सकता। आज रेलवे में 70% स्टाफ जो है वो आरक्षण वाला है। अब यहाँ पर आरक्षण का एंगल निकाला है। सूर्य प्रताप सिंह ट्वीट करते हुए जानकारी देते हैं कि भारत सरकार कह रही है केवल 2 मरे हैं, कितना बड़ा छूटा है, रेल मंत्री इस्तीफा दो। जी हाँ, एक ऑफिशियल जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस प्रेस रिलीज़ में लिखा है कि सिर्फ 2 लोग मरे हैं, 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर लिखा है 2। श्रीनिवास जो है कांग्रेस के नेता, वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ये पोस्टर रेलवे जारी कर गाजे बाजे के साथ प्रधानमंत्री को कवच का क्रेडिट दिया गया था, जब 1 नहीं 2 नहीं 3 3 ट्रेनें आपस में टकराई तब भारत का कवच कहाँ था। तो इस तरीके से जो है इन्होंने सवाल पूछा है कि कैसे गाजा बाजा बच जाता है, मास्टर स्ट्रोक कहलाना लग जाता है, लेकिन जब सवाल और जिम्मेदारी लेने की चीज़ें आती हैं तब सब भाग जाते हैं पीछे, तब कहीं छुप जाते हैं, कहीं से वीडियो बनाकर पोस्ट कर देते हैं कि कितना जो है हम सोच रहे हैं, कितना जो है हम देश के लिए कर रहे हैं। रोहिणी सिंह लिखती है ट्वीट करते हुए, योजनाएं आती हैं उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर उसका प्रचार किया जाता है, मीडिया उसे मास्टर स्ट्रोक बताता है, ये चक्र निरंतर चलता रहता है। उड़ीसा की घटना पहली घटना नहीं है जिसे इसे झूठे प्रचार तंत्र को भयावह रूप से सामने रखा गया है, पर न कल कुछ बदला था न अब बदलेगा, सवाल तो सवाल रह जाएगा। ये बिल्कुल सही कहा, सवाल तो बस सवाल बनकर ही रह जाएगा क्योंकि इसके जवाब किसी के पास नहीं है। ओम थनवी लिखते हैं कि प्रचार और प्रचार, रेल मंत्री ने हादसे से एक रोज पहले टीवी के जरिए बताया कि 9 साल के अंदर मोदी सरकार ने रेलवे का कार्यकलाप कर दिया, सब जानते हैं कि ये मनमोहन सरकार की योजना थी, 8 साल मोदी सरकार उस पर कुंडली मार कर क्यों बैठी रही, उसे 2022 के बजट में उठाया गया। तो इस तरीके से जो है तमाम लोग ऐसे ही ट्वीट कर रहे हैं दोस्तों, और इस्तीफे की मांग जोरों शोरों से है। ट्विटर पर कई सारे हैशटैग के साथ रिजाइन, इस्तीफा दो करके जो है ट्रेंड किया जा रहा है कि अब जो है ऐसे लोगों को, ऐसे मंत्रियों को जो है इस्तीफा हर हाल में दे देना चाहिए जिनसे सत्ता चल नहीं रहा है। हर तरफ कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई आरोप लग रहा है, और उन आरोपों पर कैसे चुप्पी साध लिया जाता है, इसका जवाब देने का वक्त जो है प्रधानमंत्री को आ गया है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, अश्विनी वैष्णव जो है वो इस्तीफा दो, तमाम मंत्रियों के इस्तीफे की मांग जोरों शोरों से ट्विटर पर उठाया जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।